असल सेवन क्लास आज हम मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर सिक्स इस्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट टू एक्सरसाइज है टू पॉइंट थ्री और एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री में टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स इससे पहले एक्सरसाइज टू पॉइंट टू में मैंने आपको रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था और ये बताया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है इसके अलावा अगर फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उससे कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं पी पी जो है वो न्यूमिनेटर होता है एंड क्यू जो है वो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर यानी क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि अगर क्यू ज़ीरो हो गया फिर तो हम उसे सॉल्व ही नहीं कर सकते पूरी टर्म ही ज़ीरो हो जाएगी इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है अगर आपको कोई नंबर पॉजिटिव दिया गया है तो आपने उसको नेगेटिव कर देना है अगर नेगेटिव है तो आपने उसे पॉजिटिव कर देना है तो ये एडिटिव इनवर्स कहलाता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपने वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देना है यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह आ जाएगा आई होप कि आपको पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से याद होगा अब हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स में कहा जा रहा है कि द रेशनल नंबर्स आल्सो ओबे कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ के रेशनल नंबर जो हैं वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ सब ओबे करती हैं यानी इसमें होल नंबर्स भी शामिल हैं फ्रैक्शंस भी शामिल हैं इंटीजर्स भी शामिल हैं अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जस्ट टू वैल्यूज़ यूज़ होती हैं और लेफ्ट साइड और राइट right साइड पे सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज होता है और दोनों का सॉल्व करने पे आंसर बिल्कुल इक्वल आता है अब यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड रेशनल नंबर्स की यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगी इट मीनस फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी तो कंसीडर कर लिया कि पी अपॉन क्यू एंड आर अपॉन एस आर एनी टू रेशनल नंबर्स ये दो क्या हैं रेशनल नंबर्स हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक लेफ्ट साइड पर होगा पी अपॉन क्यू प्लस आर अपॉन एस तो राइट right साइड पे क्या हो जाएगा आर अपॉन एस प्लस पी अपन की यानी ऑर्डर चेंज हो गया नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अब क्या होगा प्लस की जगह कौन सा साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई का और बाकी प्रॉपर्टी आपके पास सेम ही रहेगी नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको पता है तीन नंबर्स होते हैं तो यहाँ आपने ले लिया है पी अपॉन क्यू आर अपन एस एंड टी अपॉन यू स्टूडेंट्स लास्ट एक्सरसाइज जो थी हमारे पास टू पॉइंट टू उसमें फ्रैक्शन में वैल्यूज़ नहीं थी लेकिन अब रैशनल नंबर्स की बात की जा रही ही है इसलिए तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फ्रैक्शन में होंगी तो अब यहाँ देखें पी अपॉन क्यू प्लस आर अपॉन एस यानी फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू इज इन ब्रैकेट प्लस टी अपॉन यू थर्ड वैल्यू जो है वो ब्रैकेट के बाहर है तो राइट right साइड पे क्या हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू ब्रैकेट के बाहर आ गई सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू जो है वो ब्रैकेट में अंदर है तो ये आपका बन गया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनर नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अब क्या होगा तमाम की तमाम वैल्यूज वही रहेंगी से प्लस की जगह कौन सा साइन आ गया मल्टीप्लाई का नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें दो साइंस एक साथ यूज होते हैं ठीक है अब यहाँ कहा जा रहा है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सप्रेक्शन यानी एक बार एडिशन के साथ है और एक बार सप्रेक्शन के साथ है यहाँ भी तीन वैल्यूज़ हैं पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस एंड टी अपॉन यू अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक पी अपॉन क्यू सबसे पहले मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन की बात की जा रही है तो पहले मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो पी अपॉन क्यू के बाद आ गया मल्टीप्लाई का साइन फिर कहा जा रहा है ओवर एडिशन तो इट मीन्स ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ होंगी उनमें प्लस का साइन आ जाएगा आर अपॉन एस प्लस टी अपॉन यू अब आपको पता है कि मैथ्स के रूल के मुताबिक ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होती है वो ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई होती है तो पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई हो गया आर अपॉन एस से फिर बीच में प्लस का साइन था तो वो एज इट इज़ आ गया देन पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई हो गया टी अपॉन यू से तो यह आपके पास बन गई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी सिर्फ जहाँ पर प्लस का साइन था वहाँ कौन सा साइन आ जाएगा माइनस का अब है अरेंजिंग रैशनल नंबर्स इन ऑर्डर अब आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं उन्हें ऑर्डर में आपने अरेंज करना है अब स्टूडेंट्स आपको है अगर सिंपल नंबर हों जैसे वन टू थ्री फोर उन्हें तो अरेंज करना आसान होगा या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग में यानी छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ लेकिन अगर वैल्यू फ्रैक्शन में है तो उससे जो है वो आपको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं स्टेप नंबर वन है फाइंड द एल्सीम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन रैशनल नंबर्स आपको जितने भी रेशनल नंबर्स गिवन है आपने उनका एलसीएम लेना है एलसीएम लेना तो आपको आता है स्टेप नंबर टू री राइट द रेशनल नंबर्स विद अ कॉमन डिनोमिनेटर फिर आपने उन्हीं रेशनल नंबर्स को कॉमन डिनोमिनेटर के साथ लिखना है यानी जो एलसीएम आएगा वह सबके लिए सेम होगा कंपेयर द न्यूमिनेटर्स एंड अरेंज द रेसनल नंबर्स इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आपने सिर्फ क्या देखना है न्यूमिरेटर देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है और फिर उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दी गई थी और आपसे कहा जा रहा था इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें स्टेप वन में आपने एलसीएम लिया तो टू थ्री एंड एट का एलसीएम आ गया ट्वेंटी फ़ोर देन स्टेप टू में आपने करना था री राइट द रैशनल नंबर्स विद अ कॉमन डिनोमिनेटर अब आपने कॉमन डिनोमिनेटर के साथ लेना था वन अपॉन टू इज़ इक्व टू अब आपको पता है एलसीएम क्या आया ट्वेंटी फोर तो आपने जो डिनोमिनेटर में टू है उसे ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना था कि ट्वेंटी फ़ोर आ जाए आपको पता है अगर टू को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई किया जाए तो ट्वेंटी फोर आता है तो डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे अब यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल्स जो है वो हो गई हैं अब मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाती हूँ तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स अब आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है आपने बताना है कि इसमें ग्रेटर देन कौन से हैं लेस देन कौन से हैं और कौन से रैशनल नंबर्स जो हैं वो इक्वल हैं तो पॉइंट नंबर वन है वन अपॉइंट टू कौमा फिफ्टीन अपॉइंट ट्वेंटी अब आपने बताना है इसमें कौन सा साइन आएगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है अब देखें फिफ्टीन अपॉइट ट्वेंटी ये बड़ा नंबर है इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपने वन अपॉइंट टू के डिनोमिनेटर को ट्वेंटी में चेंज करना है आपको पता है टू को टेन से मल्टीप्लाई किया जाए तो ट्वेंटी आ जाता है तो आपने क्या किया जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी से आपने न्यूमिरीटर को मल्टीप्लाई करना है तो आपने वन मल्टीप्लाई बाई टेन किया टू मल्टीप्लाई बाई टेन किया तो ये वन अपॉइंट टू किस में चेंज हो गया टेन अपॉइंट ट्वेंटी में अब आप देखें डिनोमिनेटर तो सेम हो गया अब सिर्फ न्यूमिरीटर में देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आपको पता है टेन जो है वह छोटा है फिफ्टीन बड़ा है तो आपने इसमें कौन सा साइन लगा दिया लेस देन का तो इट मीन्स वन अपॉन टू लेस देन है फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी से इसी तरह स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर टू में भी आपने पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना है टू अपॉन थ्री जो है वो छोटा है तो आपने थ्री को सिक्स के बराबर करना था आपको पता है थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया जाए तो सिक्स आता है आपको पॉजिटिव सिक्स चाहिए तो आपने माइनस थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया प्लस सिक्स इसी तरह आपने न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया माइनस फोर अब यहाँ देखें माइनस फोर अपॉइन सिक्स है एंड वन अपॉइंट सिक्स दोनों का डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट्स आपको पता है कि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बड़ी होती है और नेगेटिव वैल्यू हमेशा छोटी होती है तो इट मीन्स माइनस फोर अपॉइंट सिक्स लेस देन है वन अपॉइन सिक्स से तो माइनस टू अपॉइंट थ्री किससे लेस देन हो गया वन अपॉन सिक्स से इसी तरीके से पॉइंट नंबर थ्री होगा इसी तरीके से बिल्कुल पॉइंट नंबर फोर होगा पॉइंट नंबर थ्री में इक्वल आ जाएंगे पॉइंट नंबर फोर में ग्रेटर हो रहे हैं और इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर टू है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अब आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं आपसे कहा जा रहा है इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर का LCM ले लेना है पॉइंट नंबर वन में एल्सीम आ रहा है एटीन अब आपने तमाम के तमाम डिनोमिनेटर्स को एटीन में चेंज करना है आपने लिया वन अपॉइंट टू आपको पता है टू को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटीन आ जाएगा तो यहाँ आपने न्यूमिनेटर को भी नाइन से मल्टीप्लाई किया एंड डिनोमिनेटर को भी नाइन से मल्टीप्लाई किया तो वन अपॉइंट टू चेंज हो गया नाइन अपॉइन एटीन में इसी तरीके से टू अपॉइन थ्री को सिक्स से मल्टीप्लाई किया एट अपॉन नाइन को टू से मल्टीप्लाई किया अब स्टूडेंट्स इन तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया है एटीन हो गया है आपने तीनों की वैल्यूज लिखनी सिक्सटीन अपॉन एटीन ट्वेल्व अपॉइन एटीन नाइन अपॉन एटीन अब आपने इसे लिखना था डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ तो सबसे पहले आ गया सिक्सटीन अपॉइन एटीन फिर फिर आ गया 12 18, फिर आ गया गया किसका आंसर था स्टूडेंट्स इसके बाकी तमाम पॉइंट्स होंगे आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है और सबको कॉपी में भी राइट करना है क्वेश्चन नंबर थ्री है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल numbers इन असेंडिंग ऑर्डर जिस तरीके से आपने डिसेंडिंग ऑर्डर किया है बिल्कुल उसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर होगा सबसे पहले आप एल्सीम लेंगे देन तमाम रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को आप सेम करेंगे उसके बाद असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ तो फर्स्ट में के आपके पास आंसर आ गया थ्री अपॉइंट ट्वेल्व फोर अपॉइंट ट्वेल्व सिक्स अपॉइंट ट्वेल्व देखें छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा है और फिर आपने एंड में क्या लिख देना थ्री अपॉन्ट ट्वेल्व जिस फ्रैक्शन का आंसर था उसकी जगह वो फ्रैक्शन आ गई फोर अपॉन्ट ट्वेल्व की जगह उसकी फ्रैक्शन आ गई एंड सिक्स अपॉन्ट ट्वेल्व की जगह उसकी फ्रैक्शन आ गई आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी अब आपने इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो आपने कॉपी में राइट करने हैं